वेलकम वेलकम टू बंक एंड लॉक, वेलकम वेलकम टू आवर चैनल। आज YouTube पीछे आपको मेरा कोई भी पेड़ दिख रहा है ना, ये एक स्पेशल पेड़ है जो कि कश्मीर की जो एक चीज है जो कि खास है, जो कि बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, खासकर इंडिया में यहाँ की सप्लाई होता है। तो ये जो पेड़ है ये सेब का पेड़ है। आज हम सेब के बाग में आए हैं, हमारी दोस्त का है। तो आज हम आपको दिखाएंगे सेब कैसे होते हैं, कैसे हम उनको उतारते हैं और किस तरीके से वो होते हैं, क्या दिखता है उनमें खास। आज हम आपको पूरी डिटेल्स तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना आपको दिखाएंगे सेब। हमारे अक्सर दोस्त मेरे फ्रेंड्स है दिल्ली से, हरियाणा से, उन्होंने नहीं देखे हैं अभी, तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। हम आपको एक सेब दिखा रहे हैं, पेड़ पे ही है अभी, और वहाँ से हम उतार रहे हैं, अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचे। इसको कहते हैं डिलीशियस, मतलब जो इंग्लिश का एक वर्ड है ना, डिलीशियस, मज़ेदार। इसका नाम ही है डिलीशियस क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है, इससे ज़्यादा मज़ेदार ये। इसको कहते हैं गोल्डन कलर नहीं होता इसका, येलो होता है, लेकिन गोल्डन बहुत मज़ेदार होता है। एक बाइट खा के देखता हूँ, मुँह में पानी आ रहा है कब। कश्मीरी में कहते हैं गोल्डन, उर्दू में भी गोल्डन, इंग्लिश में भी गोल्डन, हिंदी में भी गोल्डन, जिस भाषा में कहना है कहो, इसको गोल्डन कहते हैं। इसका कलर याद रखिए, ये गोल्डन है, ये लाल लाल होता है जो वो कहते हैं ना, वो किसी कश्मीरी को कहते हैं उसके सेब गाल लाल होते हैं, फिर उसको कहते हैं कश्मीरी सेब की तरह है। तो यही होता है क्योंकि ये लाल होता है बाहर से, रेड चीक्स वाला काफी मजेदार होता है। तो चलो अभी देखते हैं और कौन कौन सी वेरायटी मिलती है वो हम आपको दिखाएंगे, तब तक मैं खा लेता हूँ। अभी जो हमारे एडिटर है, स्पेशल एडिटर है, वो अभी लटके हुए ऊपर सेब उतार रहे हैं, आप देख सकते हो उसको, अभी दिखाओ उसको कितनी मेहनत कर रहा है। तुम उठो, इधर देखो, अपनी शक्ल दिखाओ। कौन सा, वाह क्या उतारा, इतनी नीचे फेंक दिया। ये छोटे छोटे दिखने वाले सेब है, इनको छोटा सेब कहते हैं, इनको कश्मीर में त्रोल कहते हैं, त्रोल, लेकिन मेरे को नहीं पता इनको वैसे क्या कहते हैं। छोटा सेब, छोटा, ये टायर जैसा होता है, इसको आप खाने के पहले चला भी सकते हो, इसके बहुत फायदे हैं। चलते चलते अगर आपका पार्टनर एक कोने में बैठा हो, दूसरा दूसरे कोने में, तो वहां तक आप चला के कैसे फेंक सकते हो, उस तक पहुंचेगा। तो मैं इनका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट है उन्होंने बताया, जो ये सेब होते हैं, जो बड़े सेब होते हैं, उनका कभी कभी खाते खाते क्रंच कम होता है, लेकिन इसको जब तक आप खत्म नहीं करोगे तब तक इसका क्रंच बिल्कुल खत्म नहीं होता। फर्स्ट टाइम। ये जो भी स्टंट हो रहे हैं ये एक्सपर्ट की देखरेख में हो रहे हैं, कृपया करके आप ये तो यूनियो आई थी, कृपया करके आप ये घर में ना करें। असरार हेशनाव नेम इज ना फ्रीडे। First time experience, huh? मुझे आते तीन बेल, इतने बड़े हाथ, एक हाथ में पांच से बार खली और खली पदरा गुंडू। चुका ठीक छी नौ ठीक है। चौनी वीडियो बनो दहन मिनटन, ये गोवा वीडियो बनाओ। चलो शाबाश, कामयाब उम्मीदवार। तो ओ क्या हो, वाला पेरी
चाय बोलो चाय चाय लाइक युवा जो बोन उतारने का सबसे यही तरीका ऐसे नहीं खींचना है, ऐसे यहाँ तो टहनी टूटेगी, यहाँ सेब अंदर से सेब ये जो ऊपर वाली टिप है इसके इस साइड में फिंगर रखेंगे फिर इसको ऊपर की साइड ले जाना है इजी। ओ वाओ तालियां तालियां ये फर्क। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, आज का वीडियो हमारा इतना ही था, आपको जेल भी खाने से पीछे आप हमारे देख रहे हो काफ़ी, ये हमने सुबह से मेहनत की है। तो अगर आप हमारे चैनल पे सही हो लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टा पे हमें फॉलो कीजिए, फेसबुक पे लाइक कीजिए, ये अपने दोस्तों में दिखाइए, जिसको नहीं पता है वो देखेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।